नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान, और आज हम बात करेंगे राजनीति के बिगड़े बोल। जी हाँ, नेताओं के बिगड़े बोल और बेतुके बयानों के चलते लगातार मीडिया में सुर्खियां बनी रहती हैं, जिससे लोगों को एक बार भी फिर ये एहसास हो गया है कि चुनावी मौसम आ गया है और इस मौसम में आपत्तिजनक टिप्पणियां ना हो, ये कैसे हो सकता है। एक दूसरे को नीचा दिखाना और अच्छी टाकशी करना, इसका दौर लगातार जारी है। नेताओं की फितरत सी बन गई है। वैसे हमारे देश के कुछ नेता चुनावी मौसम में जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और इनकी जुबान करेली की तरह कड़वी भी हो जाती है। चुनावी समय में कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो कोई जाति के नाम पर, और इस दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का माहौल भी खूब बनाया जाता है। लेकिन जनता से हमारा सवाल यही है कि क्या राजनीति में नेताओं को एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना उचित है, वो भी शब्दों की मर्यादा को तार तार करके। क्या इन टिप्पणियों के जरिए ये राजनेता जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, इसी बात को लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों की राय भी इसमें काफी अहम हो जाती है। पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। नेताओं के विवादित और फूहड़ बोल हमेशा से ही राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरते हैं। भाजपा हो या कांग्रेस, सपा हो या बसपा, या हो कोई और दल, इस साल भी नेताओं की बदजुबानी पर लगाम नहीं लग सका है। नेताओं के विवादित बोल हर तरफ चर्चा का विषय बने हैं, जिसके आगे उन्होंने जनता को उनके मुद्दों से भटकाने का काम किया है। चुनावी शोर के बीच एक दूसरे को गिराने के लिए राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंच रहा है तो वो है लोकतंत्र को। नेताओं की एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। अभी हाल फिलहाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को मौत तक भ्रष्टाचारी नंबर वन बता दिया। पीएम मोदी की तरफ से आए ऐसे बयान पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हलचल मची हुई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर एक तरह का युद्ध छिड़ चुका है। ठीक इसी तरह राज्यसभा सांसद मीसा भारती को जनता दल द्वारा इशारों ही इशारों में शूर्पणखा कहे जाने पर उनके दोनों भाई और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भड़क गए, जिस पर राजनीतिक गलियारों में भी खूब हलचल रही। वहीं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने एक दौरे के दौरान बुआ और बबुआ पर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने सपा बसपा गठबंधन को जहां सांप नेवला तक कह दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। अनुप्रिया ने गठबंधन की खिल्ली उड़ाते हुए ये भी कहा कि हाथी जब साइकिल पर बैठेगा तो टायर पंचर होगा कि नहीं। अनुप्रिया के इस बिगड़े बोल को जनता ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। टिप्पणियों का मामला यहीं नहीं थमा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी को एक जनसभा के दौरान दुर्योधन कह दिया था। हालांकि प्रियंका इससे पहले छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर चौकीदार चोर है के भी नारे लगवाती नजर आ चुकी हैं। आरोप और प्रत्यारोपों के बीच इस बार के चुनाव का माहौल वाकई गरमाया हुआ है। एक दूसरे पर विवादित टिप्पणियों के चलते जनता को उनके मुद्दों से भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसके बाद सवाल यही उठता है कि कितने उचित हैं राजनेताओं के बिगड़े बोल। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। ऐसी बयानबाजी से मुद्दों से भटकाने की कोशिश है राजनीतिक पार्टियों से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक अंजलि गुप्ता जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही रीता मित्तल जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दर्शकों की राय भी जानेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सुबह बोलेगा में
मसला काफी अहम उठाया गया है और इसको लेकर दर्शकों की राय भी काफी अहम हो जाती है। वाकई कहते हैं शब्द की अपनी एक मर्यादा होती है, शब्दों से आचार विचार और सभ्यता के परिचायक होते हैं, लेकिन राजनीति में शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रीता मित्तल जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस मसले पर काफी अहम हो जाती है। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आज की राजनीति महाभारत का युद्ध बन चुकी है, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज की राजनीति महाभारत का युग बन गई है, क्योंकि आज हर पार्टी का बड़ा से बड़ा नेता भी अपनी भारतीय संस्कृति को भूल करके मर्यादित जो अमर्यादित शब्द है उनका प्रयोग कर रहा है, जबकि हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि हमको अपना व्यवहार अपने शब्द चुनके बोलना चाहिए, ये नहीं कि जो मन में आए वो बोल दे। कोई भी पार्टी हो, इस समय जो शब्द बोले जा रहे हैं वो हमारे हिसाब से कि हमारी भारतीय संस्कृति की को जो है अच्छा रूप नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में भारत की संस्कृति पूरे विश्व में सब कहते हैं भारतीय संस्कृति इतनी बढ़िया है, लोग वहां उसको फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका हो कहीं भी हो सब लोग सोचते हैं भारतीय संस्कृति को हम लोग फॉलो करें, पर अगर हमारे भारत के अंदर ही इस तरह के अपशब्द बोले जाएंगे बिना सोचे समझे तो उसका असर संस्कृति पर अच्छा नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, विचार जो है वो बहुत गलत आ रहे हैं सामने, तो मैं कहूंगी सभी से जो भी शब्द बोले चुन के बोले, सोच समझ कर बोले। बिल्कुल, आरोप और प्रत्यारोप में अगर देखा जाए तो शब्दों की सारी सीमाएं लांघकर राजनीतिक पार्टियां आप शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे साथ एक दर्शक नरेंद्र जुड़े हुए हैं मुंबई से, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं नरेंद्र जी। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश में शिक्षा का स्तर का गिरना, इस वजह से ये सब मर्यादाएं भंग हो रही है। और रहा सवाल राजनीतिक पार्टियों का, तो क्यों ना एक बार बीजेपी को फिर मौका दिया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने। कई शब्दों की मर्यादा से परे बयानबाजी कहां तक जायज है, इस पर दर्शकों की राय काफी अहम हो जाती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। ऐसे बयानों के जरिए राजनीतिक पार्टियां किस तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रही हैं समाज में, इसको लेकर दर्शकों की राय काफी अहम हो जाती है। आपके पास आएंगे अंजलि गुप्ता जी, अगर देखा जाए तो आरोप और प्रत्यारोप के चक्कर में शब्दों की सारी सीमाएं पार कर जाते हैं ये राजनेता, क्या कहेंगे आप? जी, राजनेताएं हमारे देश के, हमारे समाज के, इवन हमारे घर के हीरो होते हैं और विश्व के ये हीरो हैं। और इनको सारा विश्व देख रहा है, हमारे यहाँ घर के बच्चे देख रहे हैं, समाज के लोग देख रहे हैं, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता भी है और मिल रहा भी है। जहाँ सकारात्मक पहलू सीखने को मिलते हैं और वहाँ पर ये पहलू शब्दों का बौछार जो कि नकारात्मक रूप दर्शाते हैं, और ये दर्शाना ये उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। पर्सनालिटी दो तरह से दर्शाती है, या तो एक अटेंशन सीकिंग है कि इनको अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराना है ताकि लोग इनकी चर्चा करें, परिचर्चा करें और इनका पूरे जगह पे, पूरी जगत में इन्हीं के बारे में बातचीत करें, और या फिर इनकी पर्सनालिटी का दूसरा हिस्सा है कि इनके अंदर टॉलरेंस ही नहीं है, सहन करने की शक्ति ही नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्यता नहीं है, दूसरों को सुनने की इनके अंदर क्षमता नहीं है, इनके अंदर एम्पैथी नहीं है, और साथ साथ में इनके अंदर में तरह से देखा जाए कि बहुत जल्दी रेस्पॉन्सिवनेस है, रिएक्टिवनेस है, इम्पल्सिविटी है, आवेग है और एक्साइटमेंट है। तो इतनी सारी क्वालिटीज, आप देश को संभाल रहे हो, विश्व को संभालने जा रहे हो, आप जैसे कि गांधी जी कहते थे कि हमारा देश एक राम राज्य बनेगा, तो राम का आचरण तो बहुत सहनशीलता, बड़ा धैर्यता और बहुत एकाग्रता वाला हुआ करता था। तो क्या बिल्कुल है? हर एक राजनेता राम राज्य की बात तो करता है, लेकिन ये बातें भी अब बेमानी सी लगती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं, इसके बाद आपके पास आते हैं। रितेश शर्मा जी पंजाब से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं रितेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरी राय है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, उसने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, देश को बर्बादी की ओर धकेला है। मुझे बताइए कि चाइना को थल बाढ़ के बाद कितना एरिया
जो पता नहीं पंडित जवाहरलाल ने बेच ही दिया है, अगर नहीं बेचा तो बताएं कि क्या कांग्रेस ने कभी इसका यूएनओ में कभी उसका उठाया है, सवाल उठाया है कितना। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। राजनीति भ्रष्टाचार की जननी है, ये जो दर्शक जुड़ रहे हैं और इस तरीके की जो बयानबाजी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, ऐसी सोच सामने आ रही है कि जो राजनीति है वो भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। के न्यूज के दर्शकों से भी एक सवाल बेहद अहम हो जाता है कि क्या राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जो यह अमर्यादित टिप्पणी की जाती है क्या यह जायज है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियां इस तरीके की बयानबाजी आखिर करती क्यों है, ये कैसी मानसिकता है। एक तरफ राजनेता ये कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, दूसरी तरफ लोकतंत्र में इस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी किस तरह का प्रभाव डालती है। आपके पास आएंगे रीता मित्तल जी, ये जो बयानबाजी का दौर सा चल पड़ा है इसमें शब्दों की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं राजनेता। सत्ता की चाहत में जो वरिष्ठतम नेता होते हैं वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि समाज में किस तरह का मैसेज जाएगा, जनता क्या सोचेगी। इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि जो नेता है, जो हमारी राजनेता है, वो ये सोचते हैं कि चुनाव चल रहा है, हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग करें उससे हमें वोट मिलेगा ज्यादा, पर ये उनकी सोच गलत है। उससे तो उनका नेगेटिव असर पड़ रहा है, क्योंकि सब जनता सोचती है कि अगर ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी पार्टी के नेता बड़े बोलते हैं तो उसका असर समाज में अच्छा नहीं पड़ता, वोटर्स को अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है ये ऐसा बोल रहा है तो ये ठीक नहीं है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन उस समय गलत शब्द बोल के करते हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी राजनेता हैं, कोई भी पार्टी हो, उसके राजनेता शब्दों का चयन करके बोले और मर्यादित भाषा में बोले, ये नहीं कि जो है जो भी शब्द बोल दिया तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जनता उससे ज्यादा खुश नहीं है। तभी वोट परसेंटेज इस बार भी हम लोग की ज्यादा नहीं बढ़ पाई, जबकि मतदाता जागरूकता के लिए बहुत से कार्यक्रम किए गए, मतदाताओं को तरह तरह का वो किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई कि भाई घर से मतदाता निकालो। जी, आपके पास तो वापस लौटेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हजारीबाग से, उनकी राय जान लेते हैं। राजेंद्र राणा जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं राजेंद्र जी। हाँ मैम नमस्कार। जी नमस्कार मैम, ऐसा है देश का दुर्भाग्य है मैम कि सत्तर सालों आजादी के बाद से सत्तर साल में अय्याश आदमी के हाथ में देश का बागडोर चला गया मैम, और लोगों को नैतिक शिक्षा देने की जगह पर इन लोगों ने अनैतिक शिक्षा दिया है। अभी ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा शब्द का बयान की है, अगर दूसरे सरकार रहता तो उसको पकड़ कर जेल के सलाखों में डाल दिया जाता, ऐसा घटिया घटिया आवाज उठा रही है प्रधानमंत्री के लिए, उसको शर्म नहीं लगता। बिल्कुल शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रीता जी अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी पार्टी है, जिसके वरिष्ठ नेता हैं, उनको शब्दों का चयन सोच समझ के करना है, क्योंकि उसका असर हमारी जो आगे भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसके असर पूरा पड़ता है। वो सोचता है कि हमारा नेता कैसा है, वो उसको फॉलो करना चाहता है, क्योंकि आज बच्चे भी ये सोचते हैं, युवा लोग सोचते हैं, महिलाएं सोचती हैं कि राजनीति अच्छी चीज है, पर जब शब्द सुनती है तो उसको लगता है कि ये शब्द कैसे बोले जा रहे हैं, चाहे वो युवा हो, युवाओं पर भी असर अच्छा नहीं पड़ रहा। और जो अभी एक दर्शक ने कहा कि शिक्षा की वजह से भी पड़ता है, शिक्षा की बात नहीं, आपको अपने घर पे अपने संस्कार, भारतीय संस्कृति जो संस्कार दिए हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ये दोष आरोपण नहीं करना चाहिए कि हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है। आप स्वयं से सोचिए कि हम लोग क्या शब्द बोल रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है राजनीति में अब शब्दों का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले राजस्थान से एक दर्शक जुड़े हुए हैं शिवकरण सिंह, उनकी राय जान लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं सर। जी शिवकरण जी। मैं शिवकरण ये सब से हूँ जी। हिंदुस्तान में गुजरात से लेकर कश्मीर तक पूरे बॉर्डर पे बीएसएफ तैनात है, आए दिन घटना होती है, खत्म कोई आदमी खत्म होता तो उसको कहते शहीद हो गया, जबकि कोई शहीद का दर्जा नहीं है। और
आर्मी से। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। यह मसला दरअसल दूसरा है, इस मसले को भी उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का मसला है कि राजनीतिक के जो बोल हैं वो क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, क्या आम जनता को मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर दर्शकों की राय जो है काफी अहम हो जाती है। आपके पास आएंगे अंजलि गुप्ता जी। अगर देखा जाए तो राजनीति में अब शब्दों की कोई परिभाषा नहीं रही है और ना ही कोई सीमा रही है। इस तरीके के आरोपों से जनता जो है वो कंफ्यूज होती जा रही है कि कौन सही है कौन गलत है, किस तरीके की ये मानसिकता है। जी जैसा कि अभी मैंने बताया निधि जी कि मानसिकता उनकी जैसे कि बताने का है कि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, ये उनके व्यक्तित्व को शो कर रही है, उनके समाज उनके पारिवारिक जो परिवेश है उसका वो भी प्रदर्शित कर रही है कि परिवार में उनका कैसे लालन पालन हुआ है, कैसे उनको वैल्यूज दिए गए हैं, कैसे उनको संस्कार दिए गए हैं, कैसे उनको मूल्यों के बारे में शिक्षा दी गई है। और आज उनको हम चुनने जा रहे हैं एक नेता के रूप में, एक हीरो के रूप में, आज उनसे हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या उनसे मूल्य हम सीखने जा रहे हैं, क्या उनसे संस्कार सीखने जा रहे हैं, क्या उनसे हम व्यवहार सीखने जा रहे हैं, क्या उनसे बोलचाल की भाषा सीखने जा रहे हैं। हम ही नहीं सीखने जा रहे हैं, ये पूरे विश्व कहते हैं भारत ही एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, यानी कि केवल एक भारत ही था। भारत एक एग्जाम्पल है पूरे विश्व के लिए। भारत में जो कुछ भी हो रहा है सारे विश्व के लोग उसको देख रहे हैं और वो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है नेताओं को कि आज हम ये जो कर रहे हैं वो हम विद इन द फैमिली नहीं कर रहे हैं, ये बाहर सारी चीजें जा रही है। कहते कोई भी झगड़ा होता है, कहते झगड़े को घर के अंदर रखना चाहिए, बाहर नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारी चर्चाएं बाहर तक जा रही है। तो उसे दूसरों पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो प्रदूषित, उनके मन को प्रदूषित कर रहा है। भारत के प्रति जो सम्मान की उनके अंदर दृष्टिकोण था वो आज दृष्टिकोण भारत के प्रति, भारत के नेताओं के प्रति नहीं रह गया है। और इससे क्या है कि एक उनके मन में एक शंका, एक उनके मन में उनकी संस्कृति के प्रति शंका, उनके मूल्यों के प्रति शंका, जैसा एक प्रश्नचित्र खड़ा हो गया है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। ये एक मजाक, अपनी मजाक आप खुद बनवा रहे हैं। आप लोग इज्जत से देख रहे हैं और इज्जत से देखकर आपको ऐसा इतनी इज्जत से देख रहे हैं कि पूजा करने का दिल चाह रहा है, लेकिन जैसे ही आपके मुख से ऐसे बोल निकलते हैं तो सारा का सारा बिल्कुल आते हैं आपके पास। अंजलि, एक दर्शक हमारे साथ आलमगढ़ से जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। आलम जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कहना ये कि जो चुनाव में लोग बिगड़े बोल हैं सब प्रोग्राम आप चला रहे हैं जी, दरअसल ये बिगड़े बोल तो खैर वही है, लेकिन ये इतना गंदा चुनाव आज के पहले के राजनीति अब तक मैंने देखा नहीं, इतने बिगड़े बोल लोगों के। मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, मेरी उम्र 80-85 हो गई है और मैंने 77 के भी चुनाव देखे हैं, लेकिन इतने खराब लोग चुनाव नहीं देखे। तो दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, आज पैसा का भरमार है लोगों के पास, पैसा पानी करके बहाया जा रहा है चुनाव में। प्रधानमंत्री की इतनी रैली आज तक कभी चुनाव में देखा नहीं, एक रैली में प्रधानमंत्री की एक रैली में कम से कम 2000-3000 रुपए, 2-3 करोड़ रुपए खर्च होता है उनकी सुरक्षा व्यवस्था प्रोटोकॉल को लेकर के। और अगर यही पैसा कहीं कोई संस्था बना दी जाए, गरीबों के बच्चों के पंखे के लिए बना दिया जाए, गरीबों के जो है स्कूल और आज जो है स्वास्थ्य 25-30 रुपए हम लोग इलाज कराने जा रहे हैं। बिल्कुल राजनीति की जो परिभाषा है वो बदलती जा रही है। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। राजनीति के मायने और उसकी परिभाषा वाकई बदलती जा रही है, जिस तरीके की बदजुबानी निकलकर सामने आ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं राजनीति के बिगड़ते बोल को लेकर, चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांदा से, रघुनाथ जी स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं। हेलो मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे देश की शान होती है और उन्होंने अपने मुंह से कहा मैं चाय वाला चौकीदार, इस तरह के शब्द नहीं बोलना चाहिए, विदेशों में हमारे देश की शान गिरती है। बिल्कुल। और छोटे नेता तो बोलेंगे, इनको जो है चुनाव प्रचार में रोक लगाना चाहिए।
शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल, राजनीति में शब्दों की कोई मर्यादा नहीं। कोई किसी को कहता है दुर्योधन, तो कोई किसी को कहता है सोपनखा, तो कोई किसी को कुछ भी कहता है। मतलब राजनीति में शब्दों की कोई परिभाषा नहीं, कोई मायने नहीं। सारी मर्यादाओं को तोड़कर बदजुबानी की जंग लगातार जारी है। आपके पास आएंगे रेता जी, अगर देखा जाए तो सभी के सभी राजनीतिक पार्टियां रामराज्य लाने की बात कर रही हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में और कितनी बेमानी सी लगती है। नहीं, ये तो बात सही है कि हर पार्टी चाहती है कि यहाँ रामराज आए। रामराज का मतलब भी तो होता है ना कि उसके अंदर जो भी शब्द बोले जाएं, चुन चुन के बुलाए जाए। हमें राम जी का, अगर रामराज्य की बात है तो हमें राम जी के अनुसार चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। वो तो उनके स्वभाव से, राम जी का स्वभाव ही कहा जाता था, बड़ा सौम्य स्वभाव था, किसी को गलत शब्द नहीं बोलते थे। अपनी जनता के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी सीता तक को घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो किसी गलत शब्द को ना बोलते थे, ना सुनते थे, ना अगर कोई कहता था उसको करके दिखाते थे। पर आज हमारे राजनेता जो हैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो शब्द बोलते हैं, किसी की लड़की भी हो सकती है, किसी की पत्नी भी हो सकती है, किसी की कुछ भी हो सकती है, किसी की भाई है, किसी का बहन है, कुछ भी है। तो उन शब्दों को बोलना नहीं चाहिए। और जो भी हमारे राजनेता इस तरह से बोले, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जनता ये चाहती है, मैं जनता की तरफ से कह रही हूँ कि शब्दों का चयन बहुत चुनके करें। चुनाव है तो ये मतलब नहीं जो चाहे शब्द बोल दे। चुनाव तो प्यार से वोट मांग के। रीता जी, आपके पास वापस लौटते हैं। रवि वर्मा जी लखनऊ से दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। रवि जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं। रवि जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। चलिए, दोबारा से अगर संपर्क होता है तो जरूर राय जानने की कोशिश करेंगे। जी रीता जी, अपनी बात को पूरा कर सकती हैं। हाँ मैं कह रही थी कि जो भी पार्टी वोट मांगती है उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर राम राज्य लाना है तो प्यार से जनता को समझा के, जनता के साथ मिलके वोट मांगना चाहिए। ये शब्दों का प्रयोग हर आदमी छोड़ दे, जो भी राजनीतिक पार्टी है। अभी भी इलेक्शन हम लोगों का चल रहा है, तो हम लोग अगर जनता की बात सुनना चाहते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, तो आज के बाद से गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। शब्द अच्छे बोले, चयन करके बोले, अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारी भारतीय संस्कृति हमें क्या कहने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय संस्कृति तो ऐसी है, राम राज्य की चाहती है और राम राज्य बिल्कुल बनेगा। हमारा भारत देश इस समय वर्ल्ड में नंबर वन पे है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नंबर वन पे, तो नंबर वन पे ही रहे, उसकी जो छवि है वो धूमिल ना होने पाए। सभी पार्टियों से ये प्रार्थना है कि शब्दों का चयन सोच समझ कर करें और ऐसा करें कि जिसको किसी को बुरा ना लगे। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम कुमार जी उन्नाव से, उनकी राय जान लेते हैं। स्वागत है आपका कॉल करने के लिए। राम कुमार जी, अपनी राय रख सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो आपको चैनल के लिए धन्यवाद देता हूँ जी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के राजनेता हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कहीं भाई लगते हैं, कोई बेटा लगता है, कोई मतलब चाचा लगता है। और जिन मर्यादाओं को जो है ये लोग जो है उसको नांग जाते हैं, चुनाव में गाली गलौज बकते हैं जी। उसके बाद फिर जब संसद पहुँचते हैं, इकट्ठे जो है चावल और दाल रोटी खाते हैं या पकौड़ी खाते हैं। तो ऐसे नेताओं को तो जो आयोग हमारा ये करता है कि उनको जो है 2 दिन का बाउंड, 3 दिन का बाउंड, उनको उसके बाद जो है बाउंड खत्म हो जाता है। इनको तो पूरे इलेक्शन में तो बाउंड बिल्कुल लगा दे, पूरे इलेक्शन तक आप कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई सभा नहीं कर सकते। चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपके पास आते हैं अंजलि गुप्ता जी, मनोचिकित्सक हैं आप। जाहिर सी बात है, इस तरीके की बदजुबानी की वजह क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे। क्या पेशेंस की कमी माना जाए या फिर बदले की भावना मानी जाए? दोनों तरह से ही हम रख सकते हैं इस बात को कि वो अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं और जैसे तुलनात्मक वर्णन कराना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं और आप बुरे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है घर पे,
तो दो भाई भाई होते हैं तो दूसरा बच्चा जब जन्म लेता है तो बड़े बच्चे को बड़ा बुरा लगता है कि माँ ने या सारा अब जो मुझे अधिकार दे रही थी वो छोटे बच्चे को अधिकार दे रही है, तो वो छोटे बच्चे को पिटाई चुपके से पिटाते हैं माराते हैं और बच्चा रोने लगता है, समझ में नहीं आता कौन माराया। तो एक राइवलरी एक टेंडेंसी होती है जिसको हम ईर्ष्या थोड़ी कहते हैं, तो ये जो ईर्ष्या भाव है या एक तुलनात्मक भावना है और नफरत की भावना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके अंदर आती है कि केवल मुझे ही पूछा जाए, मेरे को ही मान दिया, मेरा ही सम्मान किया जाए, मुझे ही नापा जाए, मुझे ही तोला जाए और मुझे ही जिताया जाए, और दूसरे की सारी बुराइयां दिखा दिखा करके कि उस पे कुछ भी अच्छाइयां नहीं है। लेकिन आप ऐसे डिमांड करके ऐसे छीन करके आपके पास एक दर्शक हमारे साथ अभी हाथ जोड़े हुए हैं सुरेश कुमार जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं। हेलो जी सुरेश जी बोले। जी जी बिल्कुल। आज के राजनीति में जो राजनेताओं की बिगड़ी हुई बोले हैं या हमारे देश को एक बहुत ही गंदे राजनीति की ओर ले जा रहा है। बिल्कुल। और इसमें जो किसी भी दल के नेता बोलते हैं गलत बात है ना, खास करके आज जो एक पार्टी बीजेपी के नेता शुरुआत करते हैं, इवन प्रधानमंत्री तक शुरू करते हैं, तो प्रधानमंत्री जैसे इतने उच्च पद वाले से यह शोभा नहीं देता है, और अन्य पार्टी के भी जो लोग बोलते हैं उनको भी नहीं बोलना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है राजनेताओं के। बिल्कुल, शब्द जो है वो संस्कृति को भी बयां करते हैं, संस्कार कैसे हैं इस बात को भी दर्शाते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी अंजलि जी अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप। तो यही बात कहने को है कि वो जो अपना व्यक्तित्व जो उनका दिखाया जा रहा है, इसको कहते हैं इम्पल्सिव रिएक्शन, आवेग, जिसको हम एक तरह से पर्सनालिटी के हिस्से में कह सकते हैं कि आप बिना सोचे समझे आप किसी को बोल जाना। और एक पढ़ा लिखा समझदार जो होता है वो कहता है कि कोई भी बात आप बोलिए सोच समझकर बोलिए ताकि बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। लेकिन शायद राजनेताओं के अंदर ये पश्चाताप का फीलिंग होता है नहीं होता है, बात को कहने के बाद इस बात को अनुभव कर पाते हैं कि उन्होंने बात जो रखी वो उन्होंने सही रखी, उचित रखी, उन्हें रखनी चाहिए थी या नहीं रखनी चाहिए थी, रियलाइजेशन होता है या नहीं रियलाइजेशन होता है। अगर ये रियलाइजेशन हो रहा है और होता है तो वो परिवर्तन ला सकते हैं दूसरों में, स्वयं में भी ला सकते हैं और दूसरों में ला सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो देखा जाए कि आम तौर से आम जनता के रूप में देखा जाए, मैं अपने आप को ही आम जनता के रूप में अगर रखूं तो शायद नेताओं के पास जाने में पहले के समय पर लोग बड़ा प्राउड समझते थे कि मैं चंद्रशेखर आजाद के पास जा रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस के पास जा रहा हूँ और आदि आदि। लेकिन आज के नेताओं के पास जाने में कोई प्राउड नहीं फील होता, लगता है नेता मीन्स कुछ क्राइम, या तो आप क्राइम में फंस गए इसलिए आप बचाने जा रहे हैं, कुछ घूस दिखाने देने जा रहे हैं इसलिए जाने जा रहे हैं, या किसी और पर्पज से जा रहे हैं, या आप उनसे उनके पास जाने में आपको डर लगता है। सोच लीजिए उनका व्यक्तित्व ऐसा रिफ्लेक्ट होके आ रहा है कि आपको उनके पास उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उस बॉडी लैंग्वेज को देख करके आपको डर लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके उनके पास जाने में कुल मिलाकर अंजलि जी देखा जाए तो राजनीति में जो भी राजनेता है उसके अंदर मैं की भावना है, और जहां पर मैं है वहां पर बदले की भावना पहले आ जाती है, जाहिर सी बात है, और इसीलिए बदजुबानी, आरोप और प्रत्यारोप नजर आते हैं। इस मसले को लेकर दर्शकों की राय भी काफी अहम हो जाती है। आपके पास आएंगे रीता जी, अगर देखा जाए आपके पास आने से पहले कैलाश एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। कैलाश जी स्वागत है आपका, कॉल करने के लिए अपनी बात रख सकते हैं। मैम हमारा ये कहना है कि आजकल के जो नेता हैं ये शिष्टाचार शब्द बिल्कुल भूल चुके हैं। कभी ये मोदी जी को दुर्योधन कह देना, औरंगजेब कह देना, क्या ये केवल हताशा का कारण है, क्योंकि इनके जो भ्रष्टाचार के जो इनके जो है ना ये लग चुके हैं, और जो भ्रष्टाचारी हैं कि आने वाले समय में ये सारी फूलें फिर फुरेंगी अगर मोदी जी आ गए। और बिल्कुल, कोई जल्लाद कहता है तो कोई दुर्योधन कहता है। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं नीति के जो बोल हैं, जो शब्द हैं, वो अमर्यादित क्यों होते जा रहे हैं, इस बात को लेकर दर्शकों की राय काफी अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। क्या राजनीतिक पार्टियां मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही हैं? आपके पास आएंगे रीता जी, अगर देखा जाए तो मुंह से चाहे ये नेता जितने भी बड़े बड़े दावे करें, वादे करें,
अगर कोई भी इनका संसदीय क्षेत्र, कई ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर एक बार चुनाव जीतने के बाद ये दोबारा नजर नहीं आते हैं। रीता जी आपसे हमारा सवाल है। हेलो, सुनिए, आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, आवाज जब आएगी तब जवाब ले लेंगे। दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि वो इस मसले पर अपनी राय दे सकते हैं। रीता जी, आपसे हमारा सवाल था कि मुंह से ये राजनेता चाहे जितने बड़े बड़े दावे और वादे करें, आवाज आ गई, कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक बार चुनाव जीतने के बाद ये दोबारा नजर नहीं आते हैं। ये बात तो आप मतलब काफी सही कह रही हैं, क्योंकि कई राजनेता ऐसे हैं जो बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, अपने क्षेत्र में जाते नहीं है, मुश्किल से दो चार बार जाते हैं। लोगों से मेरी तो जगह जगह बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि क्षेत्र का विकास भी नहीं कर पाते। अगर क्षेत्र का विकास जाके करें, इतनी सांसद निधि मिलती है तो हमारा देश महान देश हो गया होता, भारत देश। अब तक कहीं भी कोई गरीबी नहीं रहती, हर जगह रोड्स बन गई होती। जो आज करना पड़ रहा है कि सब जगह जगह जो जितनी योजनाएं भी भारत सरकार ने दी उनका भी पूरा लाभ वो नहीं दे पाते। अपने क्षेत्र की जनता को अगर लाभ दे दे तो उनको। रीता जी आपके पास आते हैं, मुंबई से कैसे जुड़े हुए हैं उनकी राय जान लेते हैं। रामराव शिंदे जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं। जी रामराव शिंदे जी, टीवी का वॉल्यूम धीमा कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिए। चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर दोबारा से संपर्क होता है तो जरूर राय जानने की कोशिश करेंगे। जी रीता जी, हाँ, कुछ सांसद ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में जाते हैं, वाकई में काम करते हैं जनता के लिए, तभी जनता उनसे खुश रहती है, तो उन्हें कुछ भी लुहावने वादे उनसे नहीं करने पड़ते। अगर काम ही बोलता है, अगर अपने क्षेत्र में आप जाते हैं, अपनी जितनी निधि मिली है उसको यूज करते हैं, वहां सब कुछ काम करते हैं, तो जनता अपना चाहती है कि हमारा जो दोबारा से चुना जाए वो हमारा सांसद यही रहे। अगर वो काम जनता के बीच में नहीं करता है तो वो उसको नकार के जनता उनको वोट नहीं देती। तो मैं तो चाहूंगी सरकार जब सांसद बना करके आपको इतना बड़ा क्षेत्र देती है उसमें जितनी सांसद निधि मिले उसको पूरा यूज करना चाहिए, जगह जगह उनको विकास करना चाहिए, तभी हमारा भारत देश विश्व का सर्वोत्तम राष्ट्र बनेगा। और उसके लिए सांसदों को अपने तरफ सोचना चाहिए, बल्कि बनस्पत ये शब्द बोल के उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलने चाहिए, मर्यादा को में रहे और काम करें, हर जनता को मिले। ये नहीं हो कि अभी हमारे सांसद जी नहीं है आज नहीं मिलेंगे, ये सब नहीं हो, क्योंकि वो जनता ने उनको बनाया है। तो जब वो मिलने जाती है उनकी जनता वहां पे, तो यही सुनने को मिलता है कि सांसद जी आज नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे और वो नहीं, उनको मिलना चाहिए। और कुछ सांसद ऐसे होते हैं वाकई में काम करते हैं, जैसे हमारे लखनऊ के सांसद जी, उन्होंने वाकई में काम किया है, 174 किलोमीटर की रोड बनाई है, बाईपास बनाया है, जो पूरा लखनऊ के लिए बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल, राजनेता जो खासतौर पर वरिष्ठ राजनेता होते हैं, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा मर्यादा में रहना चाहिए, जिससे कि जो छोटे नेता हैं उनको कुछ सीख मिल सके। आपके पास आते हैं अंजलि जी, अगर देखा जाए तो ये कैसी मनोस्थिति होती है, कैसी विचारधारा होती है जो इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है, क्योंकि इससे मुझे तो नहीं लगता कि जनता का कोई फायदा होता है। जी निधि जी, बड़ी विडम्बना सी बात है कि जिन्हें हम देख रहे हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं, वो आपस में चिल्ला रहे हैं, पूरा आप देखिए विधानसभा में कैसे लड़ाई होती है, इवन एक दूसरे को वो कुछ फेंकते हैं, वो कागज फेंकते हैं, डस्टर फेंकते हैं, झगड़ते हैं, तो ऐसे सीन को दिखाते हैं। वाकई बहुत सोचने और समझने वाली चीज है और छोटे स्तर से ही इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। देखा जाए इसके पीछे एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, शिक्षा का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अधिकतर नेताएं शिक्षित उनका बेस है। अंजलि जी, आपके पास वापस लौटते हैं, एक दर्शक मेरठ से जुड़े हुए हैं, उमेश जैन जी, उनकी राय जान लेते हैं। स्वागत है आपका उमेश जी, अपनी बात रख सकते हैं। उमेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। कर चुका है कि वो अपनी भाषा को संयम में नहीं रख सकते। मेरी नेताओं का व्यवहार इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि वो नैतिक आधार पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक दूसरे पर गंदी टिप्पणी करते हैं,
इन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, जब इलेक्शन में इन्हें खड़ा होना चाहिए और उसके बाद जीतने के बाद इन्हें जनता के काम करने चाहिए। आज तक मैं 68 साल का हो गया हूँ। राजनेताओं को भी अब नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। वाकई जिस तरीके की बदजुबानी सामने आ रही है, बिगड़े बोल सामने आ रहे हैं, उससे ये भी जरूरी हो जाता है। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आपके पास आते हैं अंजलि जी, अपनी बात को पूरा कर सकती हैं आप? जी जी, तो जैसा कि बताया जा रहा था कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा रोल है और शिक्षा में चारों शिक्षाएं दी जाती हैं, कि चार तरह की शिक्षाएं हैं, चाहे शारीरिक शिक्षा हो जैसे योगा प्राणायाम शरीर को स्वस्थ करने वाली, मानसिक शिक्षा हो जो मन को स्वस्थ करने वाली हो, सामाजिक शिक्षा हो जो सामाजिक को स्वच्छ करने वाली हो। सामाजिक स्वच्छता में ये बोल भी आ जाते हैं, एक दूसरे के बोल, एक दूसरे के साथ व्यवहार, आदर अनादर या अहम राष्ट्र या वहम, के लिए ऐसी सामाजिक स्थितियाँ राजनेताओं के लिए सामाजिक स्वास्थ्य हो जाती है। तीसरा है आध्यात्मिक, राजनीतिक, नैतिक शिक्षा का बहुत ज्यादा रोल है। आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य वीक है, इमोशनल स्वास्थ्य वीक है। इमोशनली दे आर वीक, इंटेलेक्चुअली दे आर स्ट्रांग। इनका इंटेलेक्चुअल यानी कि जो ये बुद्धि है, बुद्धि लब्धि है, वो इनकी अच्छी है, नो डाउट। लेकिन जो इनका संवेगात्मक है वो बहुत बहुत ही निम्न है, और ऐसी निम्न अवस्था में वो किसी की बात को बर्दाश्त करने की इनके आपके अंदर क्षमता नहीं है, और इसीलिए किसी ने एक टिप्पणी बोली तो दूसरे ने दूसरी टिप्पणी बोल दी, हम सहन नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इनको इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, चारों इंटेलिजेंस के बारे में ज्ञात कराना, और कैसे चारों इंटेलिजेंस को यूज कर सके अपनी राजनीति में, और राजनीति को कैसे और इफेक्टिव बनाया जा सके, और इनको अच्छे वोट मिल सके, और इनको जनता प्यार कर सके, दिल से सम्मान कर सके, वो इनके लिए हितकारी होगा। तो इस तरह से टाइम टू टाइम इनको आप लोगों को ये शिक्षा देने के लिए बहुत ज्यादा पहल करने की आवश्यकता है, वहां तक आवाज पहुंचाने की आवश्यकता है। उनको जो अहम आ जाता है कि मेरे को पावर है, पोस्ट है, पावर एंड पोजीशन की जो अहम है, तो पावर एंड पोजीशन तो बेसिकली पावर हु यू आर, है ना, जो आपके अंदर शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, बेसिकली वही पावर है, और वो चैतन्य शक्ति है आत्मा। आत्मा अगर शरीर से निकल जाए तो कितने बड़े भी नेता और अभिनेता होंगे, आप बिल्कुल एक डेड लाइक हो जाएंगे। तो आपके अंदर जो पावर है वो एक स्प्रिट है। शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। मोहसिन खान जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं मोहसिन खान जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। हाँ मैडम जी, मैं ये राय आप रखना चाह रहे हैं, क्योंकि मैडम जी कोई भी नेता या चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी वादे जनता के लिए करते हैं, कोई वादे तो होते नहीं मैडम। ये 5 साल होने के बावजूद आ जाते हैं वोट के लिए, 5 साल ये कहाँ चले जाते हैं इनसे पूछना। बिल्कुल, ये पूछ भी रहे हैं हम। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। वाकई जो बदजुबानी है, जो सियासत है, बिगड़े बोल जो है वो चरम पर नजर आ रहे हैं, और सियासत भी इन्हीं शब्दों को लेकर तेज होती नजर आ रही है, राजनीति किस गर्त में जाती नजर आ रही है। इस बात को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। वाकई जब राजनेता इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो उससे राजनीति का जो स्तर है वो साफ तौर पर दिखता नजर आता है, क्योंकि राजनीतिक स्तर से ही देश की दिशा और दशा तय हो जाती है। रीता जी आपके पास आएंगे, अगर देखा जाए तो एक तरफ तो राजनेता लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, संजोने की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये इस तरीके की बयानबाजी से मैसेज कैसा देने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसे बचेगा लोकतंत्र? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए तो उनको बयानबाजी ऐसी नहीं देनी चाहिए जो आजकल चल रहा है। आजकल का माहौल, जब भी आप टीवी खोलिए कोई ना कोई राजनेता दूसरी पार्टी के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जबकि ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात भी कहने का वो है, और सबको एक समान समझना चाहिए। इस समय जो है सारा माहौल ही जो है बहुत बिगड़ा हुआ है, हर पार्टी चाहती है कि मैं जीत जाऊं, जीतने के लिए वो सारे हथकंडे अपना रही है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। राजनीति के अंदर जनता का भी ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारा राष्ट्र दुनिया में सबसे अच्छा राष्ट्र है,
उसकी संस्कृति हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, पर राम राज्य ऐसे कैसे आएगा? हम लोग को मिलजुल कर काम करना चाहिए। हर राजनीतिक दल को जो आपस में ये नहीं सोचना चाहिए, इस पार्टी का आपस में साथ लेके बैठे विचार विमर्श करें और भारत को उच्च बनाने के लिए, उच्च राष्ट्र का दर्जा दिलवाने के लिए काम करना चाहिए। लोकतंत्र में ये सब जो अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है वो हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। और राजनेताओं को सोचना चाहिए कि ये चुनाव अब खत्म होने वाला है, दो चरण का चुनाव और रह गया है, आगे से शब्दों का प्रयोग ना करें, वोट तभी मिलेंगे जब अपशब्द बोलना कम कर देंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है राजनेताओं से बेहतर अवेयरनेस से आम जनता में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजनेताओं को भी नैतिकता का पाठ पढ़ना होगा, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतनी बदजुबानी बढ़ती जा रही है। फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे अंजलि गुप्ता जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, सम्मान, सहयोग, सद्भावना ही राजनीति है। जहाँ एक दूसरे के लिए सम्मान है, जहाँ एक दूसरे से सहयोग है और सद्भावना है, वहीं राजनीति सफल है। यही मेरी शुभ भावना है और सारी जनता की शुभ भावना है। तो इसके साथ ही सारे राजनीति के जितने लोग हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल करके उन क्वालिटीज को देश के हित के लिए लगाएं। राजनीति देश के हित के लिए की जाती है। तो जिस पार्टी में जो भी लोग हैं, उनकी जितनी भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को एक साथ बैठ करके मीटिंग के साथ देश के हित के कार्य में लगाना शुरू कर दे, तो शायद रामराज्य आने में देरी नहीं लगेगी, बहुत आसानी से रामराज्य आ जाएगा। लेकिन आप करते नहीं है। आप उस दूसरी जनता, दूसरी पार्टी का अगर वो व्यक्ति है तो आप बेकार है। आप तीसरी पार्टी के हैं तो आपका कोई यूज नहीं है। केवल मेरी पार्टी चल रही है तो मेरी ही पार्टी के लोग, उसमें भी मैं ही अगर नहीं हूँ, दूसरा कोई उसमें आप अपनी विशेषताएं यूज नहीं कर सकता। सबकी पार्टी के सारे लोगों की विशेषताओं को अगर देश के हित में लगा दिया जाए तो रामराज्य लाना कोई एक बहुत असंभव सी बात नहीं लगती है। तो बस कहीं ना कहीं देश हित में सोचने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि शब्दों की मर्यादा होती क्या है। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में जो राजनेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आ रहा है कि उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ने की जरूरत है। इसी के साथ सुबह बोलेगा में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। जब पशुओं को मिलेगा कपिला पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। कपिला पशु